जी जी आपके पास आ रहे हैं, प्रवोक आप लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, अभी मैं राजनीतिक विश्लेषक महोदय को सुन रहा था, वो बात कर रहे थे मर्यादित भाषा पर, और सबसे अधिक अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे थे कि विपक्ष के नेताओं के लिए और पत्रकारों के लिए वो देशद्रोही शब्द का प्रयोग कर रहे थे, और यहाँ पर वो भाषा की मर्यादा पर आपसे बात कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी विडंबना है। देखिए एक बात, यही स्थिति संसद के अंदर है अभिषेक जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर और उनके नेताओं तक किन किन भाषाओं का प्रयोग पिछले 10 वर्ष में किया है ये पूरी देश की जनता ने देखा है और सुना है। 2-2 घंटे तक प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, और भारत के पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपशब्द कहने से प्रारंभ करते हैं, और अभी के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी तक वो अपशब्द कहते हैं। उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों को, लेकिन अगर कोई विपक्ष के तरफ से कोई बात हो तो वो नागबार गुजरती है। अरे भाई, दोहरा मापदंड क्यों रखते हो? अगर विधूरी साहब ने, जो दिल्ली के सांसद थे, उन्होंने संसद के अंदर अपशब्द किया, क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई इन लोगों ने की? उनको तो बढ़ावा दिया। और दूसरे के बारे में बात करेंगे कि दूसरे अपशब्द कहते हैं। अभिषेक जी, अगर अपशब्दों की बात हो ना, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के अपशब्दों को अगर संग्रहित कर दिया जाए जो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोले हैं या विपक्ष के नेताओं के खिलाफ बोले, तो एक पूरा पुस्तक तैयार हो जाएगा। तो इनको तो नैतिक अधिकार नहीं है इस तरह के विषय पर बात करने के लिए। दूसरी बात अभिषेक जी, कि जब ये पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, सबके नीतियों पर बात करते हैं और उनको गाली गलौज की भाषा में बात करते हैं, और अगर नोटबंदी की चर्चा हो गई तो इनको इतना दर्द हो रहा है जो अभी अभी हुआ है, तो जो अभी इनके कार्यकाल में घटित हुआ उस पर विपक्ष बात न करे, लेकिन वो 70 साल 75 साल का जुमलेबाजी संसद के अंदर करे, ये इनको बहुत उचित लगता है। ये एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, ये बौखलाहट को दर्शाता है, और उनको लगता है कि अब चूंकि चुनाव में लोगों ने नकारना शुरू कर दिया, अभी उपचुनाव हुए, उत्तराखंड से पूरी तरह से ये बाहर हो गए, हिमाचल में लगभग बाहर हो गए, तो इनको लगता है कि देश की जनता ने अब इनको समझ लिया है, इनके उस प्रकार के जुमलेबाजी को समझ लिया है जिसमें न ये बेरोजगारों के लिए काम करेंगे, न किसानों के लिए करेंगे, न महिलाओं के लिए करेंगे, और जब करने की बात आएगी तो बड़े